मालदा रेलखंड के अंतर्गत जमालपुर से क्यूल के बीच चल रही एक पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ है और यह ब्रेकिंग अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। मिली जानकारी के अनुसार मालदा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत जमालपुर क्यूल रेलखंड के मसूदन और धड़ारा रेलवे स्टेशन के बीच दोपहर 3 बजे के आसपास एक चलती मेमू ट्रेन में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे ट्रेन के कोच से धुआं निकलने लगा और पैसेंजर जो लोग बैठे हुए थे या लोग जो लोग सफर इसमें कर रहे थे, वे जैसे ही देखे पैसेंजरों में हड़कंप मच गया। कुछ दूरी तक जब ट्रेन जाके रुकी तब पैसेंजरों की चीख पुकार से क्षेत्र गूंज गया और बाद में जिस डिब्बे में विस्फोट हुआ था उस डिब्बे को खाली कराया गया। तब ट्रेन को जमालपुर लाया गया जहाँ ट्रेन के 4 बोगी के पंखे और लाइट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद ट्रेन साहिबगंज के लिए रवाना हुई। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 025034 एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका परिचालन क्यूल से साहिबगंज के बीच एक मेमू ट्रेन के रूप में होता है और यह हादसा क्यूल साहिबगंज मेमू ट्रेन में हुआ है मसूदन रेलवे स्टेशन के निकट। मंगलवार की यह घटना बताई जा रही है और दोपहर 3 बजे यह घटना जब ट्रेन चल रही थी उसी दौरान हुआ है। जानकारी के अनुसार दोपहर 2:20 पर क्यूल से ट्रेन नंबर 03434 डाउन मेमू ट्रेन साहिबगंज के लिए रवाना हुई थी और इसी क्रम में मसूदन रेलवे स्टेशन से ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी बोगी संख्या 25034 में एकाएक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे पैसेंजरों में हड़कंप मच गया और हड़कंप मचने के साथ ट्रेन को रोका गया, जिसके बाद पैसेंजरों ने राहत की सांसें ली। उसके बाद अधिकारी के साथ टीम की तैनाती की गई, जिसके बाद जिस कोच में धुआं उठा था उस कोच को अलग किया गया, फिर यहां से ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। लगभग 25 मिनट विलंब से जमालपुर यह ट्रेन पहुंची। बताया गया कि विस्फोट की इस घटना से यह ट्रेन 25 मिनट विलंब से जमालपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची, जहां सभी संबंधित सक्षम पदाधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई और मौके पर विद्युत विभाग, कैरिज एंड वैगन विभाग और चीफ लोको इंस्पेक्टर ने भी पहुंचकर तकनीकी जानकारी ली गई और इसी क्रम में ट्रेन के 4 डिब्बे के पंखे और बल्ब के कनेक्शन को भी काट दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि मेमू ट्रेन के बीच चलने वाली पैंटो को भी बंद कर दिया गया और आगे तक पीछे वाली पैंटो के सहारे ही ट्रेन को जमालपुर से साहिबगंज के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में जमालपुर के स्टेशन प्रबंधक बताते हैं कि बोगी की बैटरी में से धुआं निकला और विस्फोट की कोई घटना नहीं घटी है, सिर्फ बैटरी में से धुआं निकला था, जिसके बाद पैसेंजरों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस कोच को अलग किया गया जमालपुर स्टेशन से, फिर इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। पूरी जानकारी भी अभी आनी बाकी है। नेक्स्ट अपडेट में कुछ और भी जानकारी इस घटना से रिलेटेड आ सकती है और नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।